कब्जा करेगी। महानगर पालिका प्रांत महसूल खाते के लोग आखिरकार आपका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या लगता है? महानगर पालिका जो है उसको हमने आज 3 महीने से पत्र व्यवहार कर, इन्होंने बांधकाम परमिशन कॉलेज के लिए लिया लेकिन वो भी अनलीगल 1 से 29 तक कोई भी इन्होंने दाखिला सबमिट नहीं किया, इसके लिए वो अनलीगल बांधकाम है। MRDP 52-53 के तहत इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। इनके ऊपर ऑलरेडी गुना दाखिल है 2014 में FIR नंबर 47/2014 सुदाम जाधव जब सहायक आयुक्त थे उन्होंने किया। पोदार स्कूल का इन्होंने अनलीगल बांधकाम किया, विगन कॉलेज का अनलीगल बांधकाम किया। अगर कोई भी बिल्डर अनलीगल बिल्डिंग बनाता है उसके ऊपर MRDP दाखिल होती है तो उसके ऊपर तुरंत थोड़ा कार्रवाई होगी, तो BNL कॉलेज के ऊपर क्यों नहीं, ये हमारा सवाल है कॉर्पोरेशन से। अगर कोई भी बिल्डर अनलीगल बांधकाम के नोटिस उसको लगती है तो 15 दिन के तहत उसको थोड़ा कार्रवाई होती है और बिल्डिंग डेमोलिश कर जाती है। मुख्य मांगनी क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगनी है कि वो जगह जो है डी लॉ कॉलेज की, वहाँ लॉ कॉलेज पूरा बावर घंटे में बनेगा। दूसरी बात 1 हेक्टर फॉरेस्ट घंटे जगह है, फॉरेस्ट झोपड़पट्टी है तो वो झोपड़पट्टी हमारी है, हमको हमारी जगह मिलता है और हमको हमारा रास्ता मिलता है। अगर नहीं मिलता हम लोग कायदे से लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो छीनने की ताकत रखेंगे। महानगर पालिका के कमिश्नर से बात हुई आपकी, किसी बड़े आला अधिकारी से बात हुई, आपका क्या आश्वासन मिला आपको? हमने कमिश्नर से बात किया, हमको टाइम मिला नहीं। आज हमने BNL कॉलेज के गेट पर उनको रोका और फिर हमने को उन्होंने मंडे का टाइम दे के, तो मंडे के आके बात करो अपन, उसमें जो भी लीगल है वो करेंगे। हमारा एक ही कहना है कि 8 हेक्टर 80 गुंटा जो जगह पद्मश्री की है वो जगह उन्होंने दिखा दे हमको कि ये जगह हमारी है। सर्वे नंबर 51/4 जो जगह है वो फॉरेस्ट खाते की 1 हेक्टर 61 गुंटा है, मैसूर खाते की 10 गुंटा है और डी लॉ कॉलेज का 58 गुंटा है। बाकी के जिन्होंने उतनी जमीन लेवल किया वो उनकी जगह नहीं है, हम लोग वो साबित कर सकते हैं। हमारा कहना एक ही है कि हमको हमारा ये रास्ता मिलेगा तो ठीक है, हमारा शौचालय के लिए जगह मिलेगी ठीक है, नहीं तो आर्टिकल 51 के तहत 51 के तहत हमारा मूलभूत हक का अगर हनन होता है तो हमारे मूलभूत हक के लिए हम लोग 100% लड़ेंगे और फिर कोई भी आंदोलन जाएगा उसके लिए शासन और प्रशासन जिम्मेदार रहेगी। अच्छा है इंटर जरूर हमारे आराम से।